शुक्रवार को रावतपुर थाना अंतर्गत निवासी श्रीमती दीक्षा सिंह ने अपने पिता महेंद्र प्रताप सिंह के साथ रावतपुर थाने में थानाध्यक्ष से मिलकर अपने ससुराल वालों, सास ससुर, पति, बुआ, फूफा, देवर आदि पर शादी के बाद भी रुपए मांगने व शारीरिक मानसिक प्रताड़ना देने तथा जान से मारने का आरोप लगाते हुए सभी ससुराली जनों पर मुकदमा पंजीकृत करने का आग्रह किया। श्रीमती दीक्षा सिंह ने बताया कि उनकी शादी वर्ष 2017 में मिर्जापुर पनकी रोड कल्याणपुर निवासी प्रतीक सिंह से हुई थी, जिसमें शादी में दहेज व नगद मिलाकर 35 लाख रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन ससुराल वाले उस दहेज से संतुष्ट नहीं हुए और उसके बाद भी दहेज की मांग करने लगे तथा मांग पूरी ना होने पर मारपीट, गाली गलौज आदि करने लगे। उन्होंने बताया कि 2019 में उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका खर्च भी उनके पिता महेंद्र प्रताप सिंह ही उठा रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज गूगल मैन गोल्डन बाबा पीड़ित महिला के परिवार को लेकर के थाना रावतपुर पहुंचे और बातचीत करके थाना प्रभारी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जनपद कानपुर से संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। अमान सिंह जी का हम अभिनंदन वंदन करते हैं। प्रथम पद पाया है रावतपुर थाने का और 1/6 को इन्होंने इसका श्री गणेश जी किया है। आज मैं पीड़िता दीक्षा सिंह के लिए आया था, बड़ी पीड़ित थी, पर मैंने तुरंत कहा सर से, इन्होंने तुरंत ही उसकी पूरी वेदना को समझा और जो माननीय योगी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पीड़ित महिला के साथ न्याय हो, उसको साक्षर ये सेक्रेट पालन करने पर अमान सिंह जी का हम हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। साथ साथ अन्य पुलिस कर्मियों से यही कहेंगे, आप ऐसे विशेष व्यक्ति थानाध्यक्ष जी को हम अभिनंदन वंदन करते हैं। आज बेटी बीमारी आई हुई है, ये भी हजार से सात बात दे रही है, उसको न्याय मिला है, इसके लिए साधुवाद, जय हिंद। भैया देखिए भैया, महेंद्र प्रताप सिंह, आज आप रावतपुर थाने आए, क्या मामला है? हमारी बिटिया को हमारी दामाद परेशान करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, मारपीट करते हैं, कई बार मारने की कोशिश करी, मेरे लड़के को भी मारने की कोशिश करी, मुझे भी मार, मेरी पत्नी को भी मारने की कोशिश की। आपके दामाद का क्या नाम है? प्रतीक सिंह, 87A बालाजीपुरम मकड़ी खेड़ा। आज आपने यहाँ पे रावतपुर थाने में थानाध्यक्ष को शिकायत की, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन दे दो, आपकी FIR लिख ली जाएगी, मुकदमा दर्ज करेंगे। मुकदमा दर्ज करेंगे, किससे कहता है इनको? कितने वर्ष हुए शादी के? 2017 को हुई थी। आज हमारे अत्रि मित्र महेंद्र प्रताप सिंह राणा, जिनके सुपुत्र दीक्षा सिंह हैं, इनका पति इनको निरंतर 3 साल से पीड़ित कर रहा है, अमोनी कार्य करता है, विष खिला देता है, मारता पीटता, बात बात में गाली गलौज करता है, और एक अमूत बच्ची भी है, उससे भी वो परेशान करता है। और अभी इन्होंने मकान बनाया, 12 लाख रुपये दिए, 20 लाख और मांग कर रहा है, और न देने पर इनके पुत्र की हत्या की धमकी देता है। बड़े परेशान थे, तो आज हम थाना अध्यक्ष जी के पास आए, रावत उन्होंने संज्ञान में लिया है और कहा तुरंत कार्रवाई करेंगे, मुकदमा पंजीकृत करेंगे।